गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज 20th मई एंड दिस इज़ मैथ्स लेक्चर फॉर क्लास 11 स्टूडेंट्स। दिस इज़ लेक्चर नंबर 36 एंड इन दिस लेक्चर वी विल कंटिन्यू डिस्कशन ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सो इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड रिगार्डिंग एंगल, एंटी क्लॉक वाइज मेजरमेंट इज पॉजिटिव एंगल एंड क्लॉक वाइज मेजरमेंट इज नेगेटिव एंगल And we have also discussed regarding degree measurement of angle, that in degree measurement we have 1 degree equals to 60 minute and 1 minute equals to 60 second, and we have discussed some questions also on that. Okay, so now in today's lecture we will discuss second unit of measurement of angle, that is radian measurement, right now? So we will discuss radian measurement system. Radian measurement system. Fine. See, देखो radian measurement system क्या कहता है कि यहाँ पर angle subtended at the center of a circle, okay, by an arc of length 1 unit on a circle having radius 1 unit. On a circle having radius 1 unit, it's said to be 1 radian. मतलब ये सर्कल है, इसकी रेडियस 1 यूनिट है, तो इतने ही यूनिट का एक आर्क लेंथ ने 1 यूनिट का 1 यूनिट का ही हम आर्क लेंथ लें तो ये सेंटर पर जो एंगल सबटेंड करेगा, दिस एंगल, सो दिस एंगल इज 1 रेडियन, ठीक है। एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट ऑन ए सर्कल हैविंग रेडियस 1 यूनिट इज सेड टू बी 1 रेडियन। मतलब सर्कल की रेडियस जितने यूनिट की है उतने ही यूनिट की आर्क लेंथ भी है, तब जो सेंटर पर एंगल बनता है उसको हम लोग 1 रेडियन बोलते हैं। सो दिस एंगल इज 1 रेडियन। मान लो मैंने इसको थीटा से दिखाया, तो हेयर दिस थीटा इज इक्वल्स टू 1 रेडियन, थीटा इक्वल्स टू 1 रेडियन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 रेडियन बोलेंगे। तो ये 1 रेडियन एंगल कहा जाता है इस तरीके से। अच्छा, चूंकि ये सर्कल से डिफाइन हो रहा है, तो रेडियन मेजरमेंट सिस्टम को सर्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। रेडियन मेजरमेंट सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज सर्कुलर मेजरमेंट सिस्टम या सिंपली सर्कुलर सिस्टम भी आप इसको बोल सकते हो। तो ये तो खैर जनरल नॉलेज के लिए है कि रेडियन मेजरमेंट सिस्टम को हम लोग सर्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं नेम वाइज। अच्छा, इस डेफिनेशन को जनरलाइज कर सकते हैं, जनरलाइजेशन क्या है कि हमने तो यहाँ कंसंट्रेट करना है कि जितना इस सर्कल का रेडियस है उतना ही लेंथ का आर्क होना चाहिए। तो रेडियस 1 यूनिट का है तो आर्क लेंथ भी 1 यूनिट का यहाँ पर हमारे पास है। तो इन जनरल क्या होना चाहिए, एंगल सबटेंडेड एट सेंटर ऑफ ए सर्कल, बाय एन आर्क ऑफ लेंथ आर यूनिट ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर यूनिट तो
तो ये यहाँ पर तुम ध्यान देना, एंगल सबटेंडेड एट सेंटर ऑफ ए सर्कल बाय एन आर्क ऑफ लेंथ आर यूनिट ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर यूनिट, दोनों की लेंथ सेम होनी चाहिए, समझ गए, तब भी हमें जो एंगल मिलेगा वो 1 रेडियन का मिलेगा। एंगल सबटेंडेड एट सेंटर ऑफ ए सर्कल बाय एन आर्क ऑफ लेंथ आर यूनिट ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर यूनिट इज वन रेडियन, वो एंगल भी 1 रेडियन का ही होगा। तो चाहे हम रेडियस 1 यूनिट कर लें और आर्क लेंथ 1 यूनिट कर लें, या रेडियस 2 यूनिट कर लें आर्क लेंथ 2 यूनिट कर लें, रेडियस 5 यूनिट कर लें आर्क लेंथ 5 यूनिट कर लें, दोनों सेम होना चाहिए, तब जो एंगल बनेगा सेंटर पर उस आर्क से वो एंगल 1 रेडियन होगा। वो एंगल कितना होगा? 1 रेडियन होगा। चलो अब देखें हम इसको यूज़ कैसे करेंगे हम लोग। अभी तक तो जो हम लोग एंगल मेजर करने के लिए यूनिट यूज़ करते थे वो यूनिट था डिग्री, डिग्री को यूज़ करते थे। अब ये नया मेजरमेंट सिस्टम आ गया है, रेडियन मेजरमेंट सिस्टम। तो इस रेडियन मेजरमेंट सिस्टम को सबसे पहले तो हमें लिंक करना पड़ेगा अपने डिग्री सिस्टम के साथ, तो उससे हम समझ पाएंगे कि अब डिग्री से रेडियन को कैसे यूज़ किया जाएगा, डिग्री और रेडियन को, डिग्री से आगे रेडियन मेजरमेंट सिस्टम को हम लोग कैसे यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा हम लोग रिलेशन यहाँ पर सीखेंगे कि एंगल सबटेंडेड एट सेंटर, रेडियस ऑफ द सर्कल और आर्क लेंथ में क्या रिलेशन है, इस बात को हमें समझना है, ठीक है। तो देखो इसको समझते हैं। तो रिलेशन बिटवीन थीटा एल एंड आर, वेयर थीटा इज एंगल सबटेंडेड एट सेंटर ऑफ ए सर्कल, एट सेंटर ऑफ सर्कल एल इक्वल्स टू आर्क लेंथ, एंगल सबटेंडेड एट सेंटर ऑफ ए सर्कल, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल सबटेंडेड एट सेंटर ऑफ ए सर्कल बाय एन आर्क ऑफ लेंथ एल यूनिट ऑन ए सर्कल हैविंग रेडियस आर, ऑन ए सर्कल हैविंग रेडियस आर। तो इसमें सब लिंक्ड हो गए। थीटा क्या है? एंगल सबटेंडेड एट सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क ऑफ लेंथ एल यूनिट ऑन ए सर्कल हैविंग रेडियस आर, ठीक है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले ये समझें कि अगर आप एंगल बढ़ाओगे तो आर्क लेंथ भी बढ़ जाएगी। मान लिया हमने एक सर्कल लिया, ये रेडियस है, ठीक है, सपोज आर यूनिट का, अभी हमने आर्क लेंथ इतना रखा है, तो अब जो एंगल आएगा, और अब सेम सर्कल रेडियस सेम है, हमने आर्क लेंथ बढ़ा दिया, तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर, जो एंगल सबटेंडेड है वो पहले वाले एंगल से ज़्यादा हो गया, पहले वाले एंगल से इंक्रीज्ड एंगल है, बड़ा एंगल है। तो दैट मीन्स वी राइट हियर एज वी नो थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्क लेंथ, थीटा आर्क लेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब आर्क लेंथ आप बढ़ाओगे तो एंगल सबटेंडेड एट सेंटर बढ़ जाएगा। तो दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल्स टू सम कांस्टेंट इनटू एल, सो थीटा अपॉन एल इक्वल्स टू कांस्टेंट, यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं कि एंगल सबटेंडेड एट सेंटर ऑफ सर्कल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्क लेंथ, एंगल सबटेंडेड एट सेंटर ऑफ सर्कल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्क लेंथ, है ना। एंगल सबटेंडेड एट सेंटर ऑफ ए सर्कल बाय एन आर्क, यहाँ लिख देते हैं बाय एन आर्क। तो एंगल सबटेंडेड एट सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्क लेंथ, ठीक है। तो ऐसा आ गया, इसका मतलब तुम कोई सा भी थीटा रखो उस पर जो लेंथ है वो हो जाना चाहिए थीटा टू अपॉन एल टू इक्वल्स टू थीटा थ्री अपॉन एल थ्री
एंड सो ऑन। ओके, तो अब हमने क्या किया, अब हमने इस सर्कल पर, यहाँ पर तो हमने कंसिडर कर लिया कि मान लो ये आर्क लेंथ 1 है और ये आर यूनिट का है, ये आर यूनिट का है, ठीक है। तो आर्क लेंथ 1 है, ये आर यूनिट का है, तो यहाँ पर थीटा 1 बना। और हमें पता है कि अगर रेडियस और आर्क लेंथ दोनों सेम हो जाए तो एंगल कितना बनता है, तो एंगल कितना बनता है, तो थीटा 1 इक्वल्स टू 1 रेडियन, 1 रेडियन का एंगल बन जाता है। कितना का एंगल बन जाता है, 1 रेडियन का एंगल बन जाता है। तो मान लो मैंने कोई आर्क लेंथ यहाँ पर लिया L2 और L2 की वैल्यू मैंने असाइन कर दी L, ये कहाँ तक जाएगा, ये आर्क लेंथ, ये आर्क लेंथ इस पॉइंट तक जाएगा, यहाँ तक। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का आर्क लेंथ हमने कंसिडर कर लिया L2 और L2 को बोला L है। तो ये जो एंगल बनेगा थीटा टू एंगल बन रहा है, तो थीटा टू को हमने बोला थीटा, थीटा रेडियन, थीटा टू इक्वल्स टू थीटा रेडियन, थीटा टू इक्वल्स टू थीटा रेडियन। अब इन दोनों में हमें रिलेशन फाइंड करना है यहाँ पर। तो देखो थीटा वन, नाउ थीटा वन अपॉन एल वन इक्वल्स टू थीटा टू अपॉन एल टू इम्प्लाइज थीटा वन कितना है, थीटा वन 1 रेडियन, तो एल वन कितना है, जब थीटा वन थीटा वन की वैल्यू 1 रेडियन है तो इस समय एल वन कितना है, आर है, तो एल वन की जगह पर आर लिखो। थीटा टू को मैंने थीटा लिया है, तो जब ये थीटा टू है एट दैट टाइम व्हाट इज योर आर्क लेंथ, योर आर्क लेंथ इज एल टू और एल टू को हमने बोला है एल, तो एल टू की जगह पर आप लिखेंगे एल। बात समझ में आ गई, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो आर थीटा इक्वल्स टू एल, तो दिस इम्प्लाइज थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर, तो थीटा कितना आ जाएगा, एल अपॉन आर, थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर। यही रिलेशन है बिटवीन थीटा एल एंड आर, इस रिलेशन का हमें आगे यूज़ करना होगा बहुत सारे प्रॉब्लम्स में। तो थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर, यहाँ पर थीटा एल और आर क्या है, तो तुम इसको रीड करोगे, थीटा इज एंगल सबटेंडेड एट सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क ऑफ लेंथ एल यूनिट ऑन ए सर्कल हैविंग रेडियस आर। ओके, सो थीटा इज एंगल सबटेंडेड एट सेंटर, एल इज द रिलेटेड आर्क लेंथ एंड आर इज रेडियस ऑफ द सर्कल, दैट सर्कल। ओके, तो ये रिलेशन इसको ध्यान में रखेंगे। चलो इसके आगे हम कुछ और अब आगे देखें, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन सिस्टम। तो अब हमें समझना है रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। देखो इसके लिए वी विल कंसिडर ए सर्कल, ओके, ऑफ रेडियस आर यूनिट, और हमने ये लीनियर एंगल कंसिडर कर लिया यहाँ तक थीटा, तो ये जो लेंथ आएगा L, ये जो लेंथ आएगा L आर्क लेंथ का, ये क्या होगा, ये तो हाफ सर्कमफ्रेंस है, कितना एग्जैक्टली, अगर आप लीनियर एंगल लेते हैं तो ये हाफ सर्कमफ्रेंस है, सर्कमफ्रेंस कितना होता है 2πr, तो हाफ सर्कमफ्रेंस कितना होगा πr। बात समझ में आ गई, सो एज वी नो थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर होता है, थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर होता है, थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर होता है, तो थीटा इक्वल्स टू एल की जगह आप क्या लिखोगे, पाई आर। अभी हमने आर्क लेंथ को पाई आर रखा है, हाफ सर्कमफ्रेंस, और रेडियस कितना है सर्कल का, आर है, तो यहाँ से हमें क्या मिला, थीटा इक्वल्स टू पाई, और ये कौन सा सिस्टम है, रेडियन, तो थीटा इक्वल्स टू पाई रेडियन, थीटा इक्वल्स टू पाई रेडियन। इसको इक्वेशन वन कंसिडर कर लें, लिखेंगे नाउ वी नो लीनियर एंगल कितना होता है 180 डिग्री, तो ये तो लीनियर एंगल ही है यहाँ पर, सो हेयर थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री ऑल्सो, थीटा 180 डिग्री भी है, 180 डिग्री भी है, इसको इक्वेशन टू ले लें। अब ये पाई रेडियन है थीटा, और थीटा 180 डिग्री है, एल एच एस सेम है, तो फ्रॉम वन एंड टू पाई रेडियन इज 180 डिग्री, पाई रेडियन इज 180 डिग्री, पाई रेडियन को क्या बोलेंगे, 180 डिग्री।
अच्छा देखो, रेडियन जिस तरह से डिग्री को इंडिकेट करने के लिए हमारे पास एक सिंबल होता है, ऐसा ऊपर ये डिग्री का सिंबल है, तो रेडियन के लिए क्या सिंबल आता है? देखो, चूंकि रेडियन मेजरमेंट सिस्टम को हम सर्कुलर मेजरमेंट सिस्टम भी बोलते हैं, रेडियन मेजरमेंट सिस्टम को सर्कुलर सिस्टम भी कहा जाता है। रेडियन को जो हमारा रेडियन मेजरमेंट सिस्टम है वो सर्कुलर सिस्टम भी कहा जाता है। तो अगर कोई एंगल रेडियन में आ रहा है, कोई एंगल अगर मान लो ये कोई एंगल है 4 और ये रेडियन में है, तो आप इस पर छोटा सा सी दिखा सकते हैं, तो इससे समझ में आ जाएगा कि एंगल रेडियन में है। या फिर आप कुछ मत दिखाओ तब भी ये रेडियन में है, ठीक है? तो ये दोनों कन्वेंशन यूज़ होते हैं नॉर्मली क्वेश्चन सॉल्व करते समय। इन मैक्सिमम केसेस ये जो रेडियन के लिए सी है वो नहीं लिखा जाता है, सिर्फ नंबर आप छोड़ दें तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये रेडियन में है। आप ये यूज़ करोगे, जैसे पाई रेडियन है, मैंने कुछ नहीं लिखा सिर्फ पाई लिख दिया, तो पाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो समझ में आ जाएगा कि ये एंगल है ना रेडियन में। ये एंगल किस में है? रेडियन में है। अदरवाइज मोस्ट प्रिसाइजली हम लोग कई बार इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है? बट प्रैक्टिकली इन मैक्सिमम केसेस तुम कुछ मत लिखो, सिर्फ पाई लिख दो तो समझ में आ जाएगा कि ये एंगल रेडियन में। बात समझ में आ गई? तो पाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये हमने यहाँ पर सीखा रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे सीखेंगे कि हमारे जो स्टैंडर्ड एंगल है, जो तुमने 10th क्लास में ही पढ़ा होगा, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन सभी को रेडियन मेजरमेंट में कन्वर्ट करेंगे, और भी कई सारे कन्वर्सन सीखेंगे, तो सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे स्टडी करेंगे। तब तक आप इनको फेयर नोटबुक में नोट करो, इन सारी चीज़ों को समझो जो हम लोगों ने आज डिस्कस किया, रिलेशन बिटवीन थीटा एल आर, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, और रेडियन मेजरमेंट सिस्टम क्या होता है। फाइन, सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।